मेरे बहनों आपने पिछला काम पूरा कर लिया होगा है ना, और कॉपी जरूर चेक करने के लिए भेजते रहिए। देखिए अभी हमारा छठा पाठ चल रहा है, आज हम इसके वाक्य ये पांचवा है, इसमें हम करेंगे। परसों हमने चौथा आपको गृह कार्य में दिया था, वो आपने कर लिया होगा। अब ये पांचवा है, एतेषां वाक्यानां भविष्यत् काल वाक्यानि लिखतु, इन वाक्यों को भविष्यकाल वाक्यों में लिखना है। जैसे राम पढ़ता है और भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, राम पढ़ेगा, तो इसको हमें संस्कृत में बनाना है। देखिए जैसे सतीशः रामायणं पठति, तो सतीश रामायण पढ़ता है। अब भविष्यकाल में क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था जब भविष्यकाल के रूप बनाते हैं तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, श्या जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं, श्या। तो पठति की जगह क्या बन जाएगा, पठिष्यति। सो सतीशा रामायणम पठिष्यति। इसी तरह निर्मला पूजाम करोति, निर्मला पूजा करती है, और भविष्यकाल में निर्मला पूजाम करिष्यति, करोति का क्या बन गया, करिष्यति। रंजना आचार्यम नमति, रंजना आचार्य को नमस्कार करती है, रंजना आचार्यम नमिष्यति, नमति का नमिष्यति। ललिता जलम पिबती, ललिता जल पीती है, ललिता जलम पास्यति, ललिता जल पिएगी। गोविंदा आसंदे उपविशति, गोविंद कुर्सी पर बैठता है, गोविंदा आसंदे उपवेक्षति, उपविशति का क्या होगा, उपवेक्षति। अहम दुर्गुणम त्यजामि, मैं दुर्गुण छोड़ता हूँ, अहम दुर्गुणम त्यक्ष्यामि, मैं दुर्गुणों को छोड़ दूंगा। ये आपको अगर भविष्यकाल के रूप समझ में आ गए आप बहुत आसानी से कर लेंगे, इसलिए भविष्यकाल के रूपों को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। और अब ये आपके लिए गृह कार्य है अगला, कि इन वाक्यों को आपको बहुवचन बनाना है। मैंने पहले पाठ में भी जब आपको बहुवचन बनाना बताया था तो बताया था कि खाली क्रिया को नहीं बहुवचन बनाना है, जो पहला शब्द है कर्ता उसको भी हमें बहुवचन में बदलना होता है। जैसे बालक खेलता है तो बहुवचन बनाएंगे क्या हो जाएगा, बालक खेलते हैं, तो बहुत से बालक खेलते हैं, है ना। लड़का खेलता है तो हम क्या करेंगे, लड़का खेलते नहीं करेंगे ना, लड़के खेलते। इसी तरह से तो लड़का का भी लड़के बना दिया। इसी तरह से जैसे बाल का रसगोलकम खादिष्यति तो क्या बन जाएगा, बालका। देखो बालक का बालका हो गया, ये एक वचन है, ये बहुवचन है। खादिष्यति का खादिष्यन्ति, इसमें तो बहुत आसान है क्योंकि ना लगाना है खादिष्यति, ना लगा दिया खादिष्यन्ति। दास्यति दास्यन्ति, वक्ष्यति वक्ष्यन्ति, श्रोष्यति श्रोष्यन्ति, रक्षति प्रक्षन्ति, रक्षिष्यामा रक्षिष्यामि रक्षिष्यामा। बस केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो पहला शब्द है इसको भी बहुवचन बनाना है, बालका बालका, शिक्षिका शिक्षिका, शिक्षिका शिक्षिका, छात्रा छात्रा, बालिका बालिका। अब ये आखिरी वाले में देखिए, लास्ट वाले में अहम है, तो अहम का बहुवचन क्या होता है, अहम माने मैं, और मैं का बहुवचन क्या होगा, हम, हम की संस्कृत वयम, ठीक है। तो वयम देशम रक्षिष्यामः, ये आप होमवर्क और ये क्लास वर्क दोनों काम कर लीजिएगा। धन्यवाद।